यही सवाल हम सदन में रखे थे। ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ये जो डेयरी मिल्क है, ये जो फूड प्रोसेसिंग है, 18 घंटा 22 घंटा बच्चे मोबाइल पे रहते हैं। उम्र से पहले मेंस 9 साल 12 साल 11 साल, उम्र से पहले यौवन 13 साल 12 साल में जो प्रवृत्ति चेंज हुई है लड़के लड़कियों के लिविंग स्टैंडर्ड के कारण, यह सदन में ये मामला मैंने उठाया। और इसमें मैं बार बार कहता हूँ कि कोई राजनीति, नीतीश कुमार दोषी, ममता दोषी, तो उत्तराखंड में क्या हुआ, कौन दोषी? राम रहीम कहाँ है, कौन दोषी? हर चुनाव में बलात्कारी को छोड़ते हैं वोट के लिए, फिर बैठ 100 लड़कियों के साथ राम रहीम ने बलात्कार किया है, आसाराम जी ने बलात्कार किया है, लगातार सभी जगह शोषण है, पहलवानों के साथ लगातार लंबा शोषण, फेडरल सिस्टम। मैं कोई एक बात नहीं कहता हूँ, मिनिमम कई दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर ने मरीज के साथ बलात्कार किए हैं, डॉक्टर्स के साथ बलात्कार हुआ है डॉक्टर के द्वारा। 189,000 बलात्कार केसेस, 189,000, ये सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें 95.7% सिर्फ गरीब दलित एसटीएससी, गरीब सिर्फ। मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे लिए यह देश नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं, या मैं, मुझे लगता है कि राजनीति करनी चाहिए कि नहीं, या इस देश का हिस्सा रहना चाहिए कि नहीं। हमसे कई अरब गुना ज़्यादा अच्छा बांग्लादेश, इकोनॉमिकल पीस, हमारी बच्ची सुरक्षित, हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान, जहाँ बलात्कार को 1 मिनट प्रश्न नहीं दिया जाता। वो कट्टर हो सकता है लेकिन बलात्कारियों के खिलाफ सख्त सजा है, लेकिन मेरे यहाँ अपराधियों को जाति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, धर्म और मजहब के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको उठा के देखिए। अब जैसे ये बलात्कार हुए मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में भी बलात्कार हुआ, मधुबनी में भी बलात्कार हुआ, सवाल संजय यादव का नहीं है, सवाल अभिषेक यादव का नहीं, सवाल अपराधी का है। इसमें ना तो कोई जादव आता है, ना राजपूत आता है, ना ब्राह्मण, ना भूमिहार, ना कोई, एक व्यक्ति के चलते समाज हाशिए पे चला जाता, पप्पू यादव के कैरेक्टर के चलते। अब आप उठा के देखिए, मुझे नहीं पता ये दलित में कौन जाति थी, मैंने नहीं किसी से पूछा, लेकिन यदि हमारे भाई चिराग जी या जितना माझी जी नहीं आए, तो मुझको लगता है ये पासवान और ऋषिदेव नहीं होगा, ये चमार होगा, मुझको नहीं जानता, मुझको नहीं पता। यदि मायावती जी और चंद्रशेखर जी नहीं सिर्फ ट्वीट किया, अब आप हमको बताइए क्या पप्पू यादव को रहना चाहिए इस देश में? दलित में भी बायफर्केशन, मतलब पासवान की बेटी या नहीं है तो चिराग जी नहीं आएंगे, ऋषिदेव नहीं है तो जितन राम मांझी नहीं आएंगे, राम नहीं है तो मायावती नहीं ट्वीट करेगी, यादव हैं तो तेजस्वी जी नहीं आएंगे। सत्ता पक्ष को राजनीति करनी है कलकत्ता में, कलकत्ता में हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी कर दी, ममता दीदी रोड पे चली गई, गिरफ्तार हो गए, फांसी की सजा की बात हो गई, लेकिन हड़ताल करके 14 आदमी को आपने मार दिया। ये 302 का मुकदमा डॉक्टर पे लगना चाहिए या नहीं? डॉक्टर किस रूल के तहत हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर रहा है?
यदि कोई आम नागरिक अपने अधिकार के लिए सड़क पे जाता है तो 353 थाना में मार के बर्बाद कर देगा। लेकिन लगातार केंद्र के द्वारा डॉक्टर को उकसाया जा रहा है और केंद्र, आश्चर्य होगा आपको, केंद्र का सोशल मीडिया बीजेपी का टूल्स बना हुआ है कलकत्ता के मामले में, आप समझिए। तो मैं जानना चाहूंगा केंद्र से कि उत्तराखंड क्या है, तब तो लोग आपको भी बोलेंगे बिहार में कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको फुर्सत नहीं हुई, आप दलितों का वोट लेना चाहते हैं, आप बेटियों का वोट लेना चाहते हैं, आप तो निर्भया के बाद 32% बलात्कार बढ़े ना हो, और आप से उम्मीद ब्रजभूषण सिंह जी को न्याय आपने दे दी, सेंगर को दे दिया, नेताओं का इन्वॉल्व जिस बलात्कार के केस में होता है, आप हमको बताइए क्या हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यह जरा बता दीजिए। अच्छा पप्पू जी, मुजफ्फरपुर की जो घटना है जहाँ पर आज अपने परिवार से मुलाकात की, पूरे परिवार से, पुलिस की जांच पर आपको कितना भरोसा है पोस्टमार्टम? देखिए मैं एक बात सवाल उठाता हूँ, 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ गई कलकत्ता में, उसकी वीडियोग्राफी सब कुछ भी हो रही है। फिर जब पोस्टमार्टम हो रहे थे तो यहाँ वीडियोग्राफी क्यों नहीं? एक, मैं पदाधिकारी से यह जानना चाहता हूँ, बिहार के हर घटना को दबाने का प्रयास आप टूल्स क्यों बनते हैं? और जिस तरीके की रूपा का अंग 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 काटा गया, यदि मैं आपकी बात सत्य को मान भी लूँ तो जितने निर्मम हत्या एक बेटी का पाठ को नंगा करके जो काटा गया, इससे विभत्स भी मौत होती है। सवाल मेरा यहाँ है, इसके पहले भी दो दो घटना उस घर में हुए हैं, फिर उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मधुबनी में घटना जो घटी उसका क्या हुआ? और प्रशासन इतनी जल्दीबाजी में चिट्ठी कैसे निकाल दी? ये किसको खुश करना चाहते हैं, किस आका को? और इसके पीछे भूमिका क्या है? सत्ता पक्ष के लोग मतियारी जा रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के सभी नेता, क्या आप तीनों मिल करके 1 से 2 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी देने का कोई ऐसा कानून आप बनाएंगे, कोई फॉरेंसिक जांच, या बलात्कार करने वाले बलात्कारी के बारे में यदि पीड़िता ने कह दी कि मेरे साथ बलात्कार किया गया अमुक के द्वारा, और कोर्ट में क्या उसका बयान 5 सालों तक नहीं होगा? क्या 3 महीने के अंदर बलात्कार के केसेस को खत्म करने की कोई प्रावधान होगी कि कलकत्ता की मौत पर मेरा गुंडा तेरा गुंडा, मेरा गुंडा महात्मा गांधी, तेरा गुंडा गुंडा, तेरा बलात्कारी बलात्कारी, मेरा बलात्कारी सही नहीं। डॉक्टर जब किसी डॉक्टर की बेटी के साथ बलात्कार करे कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर के द्वारा जब किसी पेशेंट के साथ बलात्कार किया जाता हो, अस्पताल में मार दिए जाते हो, छेड़खानी की जाती हो, तब डॉक्टर साहब का ईमान कहाँ चला जाता है? और आज लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा
कि क्या कलकत्ता के बलात्कार की घटना के बाद जो उत्तराखंड की बलात्कार हुई और मुजफ्फरपुर का, क्या इस पर केंद्र कुछ बोलेंगे? बीजेपी का मीडिया टूल्स कुछ करेगा? और क्या इसके बाद अब कोई बलात्कार देश में नहीं होगा? क्या इसकी गारंटी देश के पीएम सीएम विपक्ष लेंगे? और क्या गवाही सुरक्षित होगी? मेरा सीधा सवाल, मुजफ्फरपुर पुलिस के जान पर भरोसा है या फिर आप? सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए मैंने उस परिवार को 5 लाख रुपए की बोला है। अभी 50,000 रुपया उस परिवार को मैंने मदद की और मैंने सीधा कहा अपराधी कोई भी हो उसकी फांसी की सजा हो, और इसके बाद बलात्कार या किसी भी जाति धर्म के मजहब के बेटियों के साथ कोई छेड़खानी बलात्कार नहीं होगी, इसको सुरक्षित किया जाए। और सुरक्षा का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर से तो कोई लोग सुरक्षित 12 दिनों से नहीं है, सुरक्षा का मतलब है गरीब और आम आदमी की सुरक्षा। आम आदमी की सुरक्षा इस देश के कानून के द्वारा कब होगी? मेरा सवाल यहाँ। और कोई भरोसा भी मुजफ्फरपुर के प्रशासन पे नहीं है। विपक्ष बिहार में ये कह रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में जो है लॉ एंड ऑर्डर है। सर मैं विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप मानते हैं अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है? सर जितने नेता हैं, एक महात्मा गांधी को भी टपे हुए नेता सब नया में आए हैं, महासदी के नेता सब आए हैं, अदानी अंबानी के पैसे से भी लोग नेता बनते हैं, और देश में पीएमए सीएम लोग बनाते हैं, न आज तक लाठी खाए, न किसी की 1 रुपया मदद की, और ना ही संघर्ष का रास्ता देखा। हर आदमी चुनाव के समय यात्रा पर, अब विपक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं इतना ही कहूँगा सच्चाई पर बात करनी चाहिए। अपराधी किसी जाति धर्म मजहब का नहीं होता है, अपराधी को हमेशा फांसी के अलावे दूसरी बात नहीं करनी चाहिए। और विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, मैं किसी भी घटना में सिर्फ दोष नहीं दूंगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री पीएम को, सब इसमें इन्वॉल्व है, सबकी सरकार थी। अब जैसे सिंगला का पुल कल टूट गया, ये सिंगला का टेंडर कब हुआ? तब तो विपक्ष भी थे, पुल का जो टेंडर हुआ तब तो विपक्ष भी थे, और सब 60-70% माफियाओं से और कंपनी से पैसा लेते हैं, तो पुल तो टूटेगी ना। इसमें सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं? सर 5 फॉर्म को वो प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और लगभग बिहार में जितने बड़का ठेकेदार हैं, बीबी बेटा भाई नानी दादी सब के नाम से फॉर्म बनाया हुआ है, और लगभग RWD NHI पुल निगम PWD में काम सफ़ेद पोष नेता इन्वॉल्व है, और पदाधिकारी सेक्रेटरी नेता का PC सीधा सेक्रेटरी के माध्यम से। तो जो पूल निगम के सेक्रेटरी थे हैं, RWD PWD के सेक्रेटरी हैं, वो सीधा इसमें इन्वॉल्व है, सीधा पैसा लेते हैं। तो सिंगला कंपनी की अभी तक ऑडिट नहीं हुई, उसके पहले 5 बार घटना घटी पटना से लेकर, और अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। तो सिंगला कंपनी के मालिक के खिलाफ FIR आज तक क्यों नहीं होता? और फिर बार बार उसी को पूल क्यों मिल जाता है? फिर टेंडर उसी को क्यों मिल जाता है? तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार का सिस्टम और सरकार का मंत्री और सरकार के दल में रहने वाला माफिया इसमें इन्वॉल्व है।